इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 16 अक्टूबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1905 में बंगाल का विभाजन राष्ट्र के इतिहास में एक मोड़ ले आया और इसका हर ओर भारी विरोध हुआ। इस दिन को विरोध दिवस के रूप में मनाया गया और ढेरों जुलूस निकाले गए। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार की आंधी ने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया। बाद में इस फैसले को वापस लेने का निर्णय किया गया। देश दुनिया के इतिहास में 16 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1757 में ऑस्ट्रिया की सेना ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर कब्जा किया था। 1788 में आज ही के दिन मराठों ने शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। आज ही के दिन 1868 में डेनमार्क ने निकोबार द्वीप समूह के अधिकार ब्रिटेन को बेचे और इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के दखल का आखिरी निशान भी मिट गया था। 1905 में आज ही के दिन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के आदेश पर बंगाल का विभाजन किया गया था। आज ही के दिन 1915 में ब्रिटेन ने बुल्गारिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1934 में आज ही के दिन चीन के कम्युनिस्टों ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की थी, जिससे कम्युनिस्ट क्रांति का आधार दक्षिण पूर्व चीन से बदलकर उत्तर पश्चिम चीन हो गया था। गुजरात के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात शंकर पाटनी का निधन आज ही के दिन 1938 में हुआ था। आज ही के दिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिश क्षेत्र पर पहला हमला किया था। 1942 में आज ही के दिन बंगाल में आए प्रलयंकारी तूफान में 40,000 लोगों की जान चली गई थी। भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना हेमा मालिनी का जन्म आज ही के दिन 1948 में हुआ था। ओडिशा के 14वें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का जन्म आज ही के दिन 1948 में हुआ था। आज ही के दिन 1951 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का निधन आज ही के दिन 1994 में हुआ था। आज ही के दिन 1964 में परमाणु स्पर्धा में शामिल होने को उत्सुक चीन ने अपने पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। 1978 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान में फैसलाबाद टेस्ट से अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी वेद कृष्णमूर्ति का जन्म आज ही के दिन 1995 में हुआ था। आज ही के दिन 1996 में ग्वाटेमाला में फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में क्षमता से अधिक लोगों के पहुंचने के कारण मची भगदड़ में 84 लोगों की जान चली गई थी और 180 से अधिक घायल हुए थे। 1999 में आज ही के दिन अमेरिका ने सैन्य शासन के विरोध में पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया था। आज ही के दिन 2005 में G20 देश विश्व बैंक और IMF में सुधार के लिए एकमत हुए थे। 2011 में आज ही के दिन भारतीय मूल के धावक 100 वर्षीय फौजा सिंह ने सबसे अधिक उम्र में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन पूरा करके नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। कविताएं पढ़ने की अपनी खास शैली के लिए मशहूर बंगाली प्रस्तोता प्रदीप घोष का निधन आज ही के दिन 2020 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।